हजारीबाग जिला क्रिकेट संघ HDCA द्वारा आयोजित और हजारीबाग के पूर्व जीप अध्यक्ष ब्रजकिशोर जायसवाल द्वारा प्रायोजित लक्ष्मी देवी जायसवाल मेमोरियल इंटर स्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट 2023-24 का विधिवत उद्घाटन बुधवार को हजारीबाग के वेल्स क्रिकेट मैदान में हुआ। मौके पर बतौर मुख्य अतिथि हजारीबाग सदर विधायक मनीष जायसवाल शामिल हुए और टॉस करके टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। इस दौरान विधायक मनीष जायसवाल ने खिलाड़ियों के साथ मैदान में बल्ले पर भी हाथ आजमाया। विधायक मनीष जायसवाल ने ग्राउंड और ग्राउंड में निर्माणाधीन आधारभूत संरचना का भी निरीक्षण कर जायजा लिया। मौके पर विधायक मनीष जायसवाल ने कहा कि हमारे परिवार द्वारा प्रायोजित HDCA द्वारा आयोजित लक्ष्मी देवी मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट पिछले 19 सालों का लगातार आयोजित हो रहा है। सिर्फ कोरोना काल के 2 वर्ष को छोड़कर पिछले 19 सालों से यह टूर्नामेंट इंटर स्कूल के युवा क्रिकेट खिलाड़ियों को एक बेहतर प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता रहा है। विधायक मनीष जायसवाल ने कहा कि हजारीबाग में खिलाड़ियों को हर संभव साधन संसाधन उपलब्ध कराने हेतु लगातार प्रयासरत हूँ। उन्होंने बताया कि उक्त टूर्नामेंट में जिले के कुल 15 टीमों ने भाग लिया है। उद्घाटन मैच नेशनल पब्लिक स्कूल बनाम जैक एंड जिल स्कूल की टीम के बीच खेला गया। मौके पर विशेष रूप से विधायक प्रतिनिधि बंटी तिवारी, जय सिंह कश्यप, विकास चौधरी, आशीष चौधरी, सुमन कुमार लाल, विमलेश दुबे, प्रदीप सिंह, राहुल जैन, मनोहर सिंह, रंजीत कुमार, रितेश सिन्हा, JP जैन, सुबोध कुमार, आकाश, अभिनव अग्रवाल, प्रभात कुमार, शुभेंदु गुहा, सदर विधायक, मीडिया प्रतिनिधि रंजन चौधरी सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। हजारीबाग ब्यूरो, प्रदीप पाठक की रिपोर्ट।